हेलो, मैं हूँ रितेश और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर फाइंड करने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। सो लेट्स राइट द प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, stdio डॉट एच और कोनियो डॉट एच। हम यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर हम लिखेंगे void main, मेन फंक्शन के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। और इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, यूज़र से एक नंबर एंटर कराना है और प्रोग्राम उस नंबर को प्रिंट करेगा कि वो पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इस प्रोग्राम में आपको कितने वेरिएबल लगने वाले हैं। तो जहां मैं कह रहा हूँ कि एंटर वन नंबर, एक ही नंबर आपको एंटर करना है और आपको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, बस इतना ही काम आपको इस प्रोग्राम के अंदर करना है। तो नंबर स्टोर करने के लिए आपको एक ही वेरिएबल लगेगा। ओके, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंट नम। फिर हम लिखेंगे clrscr स्क्रीन को क्लियर करने का कोड और इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, तो एंटर एनी नंबर, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए हम लिखते हैं और स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू हमको एक नंबर एंटर कराना है। तो स्कैनएफ हम लिखेंगे परसेंट डी एम परसेंट नम। ओके, तो ये स्कैनएफ जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक नंबर जो यूज़र एंटर करेगा वो नम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको जो कोड लिखना है वो इस चीज़ के लिए लिखना है कि जो नंबर वेरिएबल के अंदर आया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसको आप कैसे चेक करोगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। देखो, आप जब कंडीशन लिखोगे इफ के अंदर तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा होता है तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो, फिलहाल के लिए ज़ीरो को भी हम पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं। तो अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो होता है तो हम पॉजिटिव प्रिंट करेंगे और नंबर अगर ज़ीरो से छोटा होता है तो निगेटिव प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आपने कंडीशन लिखना है इफ़ नम, और जो ऑपरेटर आपको यूज़ करना है यहाँ पर वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, रिलेशनल ऑपरेटर आपको यूज़ करना है ज़ीरो। तो ये चेक करेगा कि नम के अंदर जो नंबर है वो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमको प्रिंट करना है दिस इज पॉजिटिव नंबर। और मान लो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस इफ का एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उस एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ दिस इज निगेटिव नंबर। और यहाँ एक गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए और मेन फंक्शन का ये क्लोजिंग। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ बाय द नेम प्रॉग 14.c। अब इसको कंपाइल कीजिए, ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो एरर। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर वार्निंग है तो आपका प्रोग्राम रन हो सकता है, बट अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर है तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। फ़िलहाल में वार्निंग भी नहीं है, एरर भी नहीं है, तो हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यहाँ एक मैसेज मिल रहा है एंटर एनी नंबर, मैं एंटर करता हूँ 11। अभी देखो, जो कंडीशन हमने लिखी है ये स्कैनएफ के थ्रू, तो ये एंटर हो गया 11। तो 11 नम के अंदर आ गया और जैसे ही नीचे जाएगा इफ़ नम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और ट्रू होने के बाद इफ़ में हमने जो कोड लिखा था दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, वो सामने प्रिंट हो रहा है। इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और इस बार मैं इसमें नंबर डालता हूँ -10।
अब इस बार जो कंडीशन हमने लिखी थी वो फॉल्स होने वाली है, और कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, तो आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा दिस इज निगेटिव नंबर। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, आप आसानी से चेक कर सकते हो कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।